टुडे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में। टाइप्स ऑफ मैरिज बोल लो या फिर फॉर्म्स ऑफ मैरिज बोल लो, बोथ आर सेम। ओके, सो ये मैंने हैंड नोट्स बनाए हुए और इसी के थ्रू आज हम पढ़ेंगे। तो देर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ मैरिज जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज, एक्सोगैमी, एंडोगैमी एंड मैरिज अमंग होमोसेक्सुअल, उसमें भी दो है, गे मैरिज एंड लेस्बियन मैरिज। तो इन सभी टाइप्स को हम जानेंगे आज वन बाय वन करके। ओके, सो मोनोगैमी, सो इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज वन मैन मैरिज वन वुमेन एट ए टाइम। मतलब इसमें क्या होता है कि वन मैन मैरिज वन वुमेन एट ए टाइम, यानी एक मैन एक पुरुष जो है वो एक ही स्त्री से एक वक्त पर शादी करता है। ओके, मतलब एक मैन जो है वो एक ही वुमेन से शादी करेगा एट ए टाइम। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबॉलिकली ये दिखा गया कि वन मैन है यहाँ पे और वन वुमेन है, जिन एरो इज अ मैरिज। ओके, सो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, मैरिज। सो वन मैन मैरिज ओनली वन वुमेन एट ए टाइम, सो उसको हम मोनोगैमी कहेंगे इस टाइप के मैरिज को। ओके, एट ए टाइम मतलब एक वक्त पर, अगर उस मैन का उस वुमेन के साथ डिवोर्स हो गया फिर वो दूसरी वुमेन के साथ भी शादी कर सकता है, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है इसका मतलब। ओके, सो मोनोगैमी में ये कि वन मैन मैरिज वन वुमेन एट ए टाइम। सो पॉलीगैमी में क्या आता है, पॉलीगैमी में इन पॉलीगैमी मैरिज अ मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एट ए टाइम। ओके, इसमें क्या होता है कि जो एक मैन होता है, एक मैन मतलब एक से ज्यादा वुमेन के साथ शादी करता है एक ही वक्त पर, यानी सेम टाइम पर एक ही मंडप में वो एक मैन एक से ज्यादा वुमेन के साथ क्या करेगा, शादी करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबॉलिकली दिखाया है कि वन मैन मैरिज वन, एम मीन्स मैन एंड डब्ल्यू मीन्स वुमेन। ओके, सो वन मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एट ए टाइम, दैट इज अ पॉलीगैमी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज पॉलीएंड्री। इन दिस फॉर्म अ वुमन मैरिज मोर देन वन मैन एट ए टाइम। अभी ये पॉलीगैमी के एग्जैक्टली अपोजिट है पॉलीएंड्री। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक वुमेन होती है वो मोर देन मैन वन मैन से शादी करती है एट अ सेम टाइम या फिर एट अ टाइम। ओके, सो एक वक्त पर एक वुमेन मोर देन वन मैन के साथ शादी करती है, इसलिए वन वुमेन है और मोर मैन है सिंबॉलिकली। हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने कुछ दिखाया गया है, मतलब इजिली समझ में आए इसलिए मैंने शो किया है। ओके, दैट इज अ पॉली एंट्री। अभी पॉली कैसे याद रखिए, पॉली मीन्स मेनी और एंट्री मतलब ये शब्द जो है वो मैन के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो पॉली मीन्स मेनी एंड एंट्री मीन्स मैन, ऐसा याद रख सकते हैं। पॉली तो मेनी मैन, एक वुमेन मेनी मैन। ओके, दैट इज पॉली एंट्री। सो ग्रुप मैरिज, ग्रुप मैरिज में क्या होता है, इन द ग्रुप मैरिज द नंबर ऑफ मैन मैरिज इज द नंबर ऑफ वुमेन एट अ टाइम। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मैरिज, ओके सॉरी, यहाँ पर जो है बहुत सारे पुरुष जो है बहुत सारे स्त्रियों के साथ शादी करेंगे एक ही समय पर, उसको बोलते हैं ग्रुप मैरिज। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री का। मतलब इस मैरिज में कैसा होता है कि एक वुमेन एक से ज्यादा पुरुषों के साथ भी शादी करती है और एक मैन एक से ज्यादा महिलाओं के साथ भी शादी करता है, इसलिए उसको ग्रुप मैरिज किया जाता है, क्योंकि ग्रुप की तरह लगता है ना। तो क्योंकि ये पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री का क्या है, कॉम्बिनेशन है, और इसको हम ग्रुप मैरिज कहते हैं। फिर है एंडोगैमी मैरिज। एंडोगैमी मैरिज इज द मैरिज प्रैक्टिस विद इन द ग्रुप। ओके, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्रुप होता है उस ग्रुप के अंदर ही हम क्या करते हैं, मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, दैट इज अदरवाइज नोन एज अ। ओके, पहले पढ़ लेते हैं। एंडोगैमी मैरिज इज द मैरिज प्रैक्टिस विद इन द ग्रुप, दैट इज अदरवाइज नोन एज अ मैरिज विद इन द ग्रुप। एंडोगैमी मैरिज प्रिजर्व द ग्रुप होमोजेनिटी, यहाँ पे भी है कुछ ऊपर। ओके, इट प्रिजर्व द ग्रुप प्यूरिटी एंड कीप्स द प्रॉपर्टी विद इन द ग्रुप। इसका सरल अर्थ है कि अगर हम अपने ही ग्रुप के अंदर मैरिज करते हैं, सपोज लोगों का एक ग्रुप है, सपोज एक कोई सरनेम वाला एक ऐसा ग्रुप है जिनके साथ के जो सरनेम है वो सेम कास्ट को बिलोंग करते, तो वो हो गया सपोज एक ग्रुप। मतलब एक कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पर हमें एज अ ग्रुप लेते हैं और उसी ग्रुप के अंदर यानी अपनी खुद की कास्ट के अंदर ही शादी करना या कास्ट वाले से शादी करना, मतलब विद इन ग्रुप मैरिज होगी ना वो। और अगर हम इंटर कास्ट करेंगे यानी दूसरे कास्ट के पुरुष या महिला के साथ शादी करते तो वो क्या हो गया, ग्रुप के बाहर हो गया। तो एंडोगैमी मैरिज उसी तरह का एक फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें हम अपने ग्रुप के
अंदर के सदस्य ही से ही क्या करेंगे, शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, ग्रुप के बाहर शादी नहीं कर लेती है। तो इससे क्या होती है, वो ग्रुप की जो होमोजेनिटी है वो प्रिजर्व होती है, प्यूरिटी प्रिजर्व होती है और प्रॉपर्टी जो होती है विद इन द ग्रुप रहती है। ओके, देन एक्सोगामी, दिस काइंड ऑफ मैरिज इज नोन एज अ मैरिज आउटसाइड द ग्रुप। अभी मैंने कहा अगर इंटर कास्ट मैरिज होगी तो क्या होगी, एक्सोगामी मैरिज, क्योंकि कास्ट एज अ हम जो है ग्रुप ले रहे हैं ना, एक कास्ट को हम एक ग्रुप मान रहे हैं। अगर इंटर कास्ट होगी तो यहाँ पे दो कास्ट का मामला हो जाएगा ना, मतलब हमारे कास्ट के बाहर की शादी, ओके, दैट इज अ ग्रुप के बाहर की शादी, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोगामी। एक्सोगामी मतलब मैरिज आउटसाइड द ग्रुप। ओके, अभी मैरिज अमंग होमोसेक्सुअल्स, अभी होमोसेक्सुअल तो आपको पता ही होगा, गे लेस्बियन ये क्या होते, होमोसेक्सुअल्स होते। ओके, अभी इसमें क्या होता है कि मैरिज अमंग द होमोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल कपल इज लीगलाइज इन सम ऑफ द कंट्रीज। तो होमोसेक्सुअल के बीच जो मैरिज होती है वो कुछ कंट्रीज में लीगलाइज है, कि उनको एक मान्यता है, लीगली वो एक्सेप्टेबल है उनकी मैरिज। ओके, सो ऑल होमोसेक्सुअल कपल्स अलाउ इंजॉइंग ऑल रिसोर्सेज एज अ नॉर्मल कपल। और जैसे कि नॉर्मल कपल जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको इंजॉय करते हैं, इस तरह से ये होमोसेक्सुअल कपल भी रिसोर्सेज का सेम वे में इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, लीगली उनको परमिशन दिया गया हुआ है। तो इसमें टू फॉर्म्स ऑफ मैरिज है फर्दर, मतलब इसी में दो है, गे मैरिज एंड लेस्बियन मैरिज, मतलब सेवन जो है मैरिज अमंग होमोसेक्सुअल में ही फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, सॉरी सब टाइप्स है, सब टाइप्स में क्या है, गे मैरिज एंड लेस्बियन मैरिज। ओके, सो गे एंड लेस्बियन तो आपको पता ही होगा, सो गे मैरिज एंड लेस्बियन मैरिज आर द टू फॉर्म्स ऑफ होमोसेक्सुअल मैरिज। ओके, सो दिस इज समथिंग नोट्स, तो मैं यहाँ पे क्विकली आपको लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपके लिए एक बार सभी नोट्स में से फर्स्ट कैमरा घुमाऊंगी। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया, थैंक यू।